Hey guys, welcome back to my channel. तो आप लोगों ने तो मेरा दो वीडियोस देख चुके होंगे, तो रिकॉर्डिंग आप लोग सुन चुके भी होंगे. तो मैं सिर्फ इतना बात बोलना चाहता हूँ कि मैं उन लोगों के खिलाफ कुछ भी एक्शन कुछ भी मेरे को नहीं करना था. मेरे को सिर्फ जस्ट नॉर्मली अपने हिसाब से अपने तरफ, मतलब तो मैं अपने तरफ से कोई कनेक्शन वगैरह नहीं रखा था. और पर वो जो है, आप लोगों ने देखा होगा, वो जो काला सा लड़का है आशुतोष साहू, उसने मेरे को कॉल किया और उसके बाद ये सब मेरे को करना पड़ा. नहीं तो मेरे को उन लोगों से गोष्ठी वालों से मेरे को कोई कुछ काम नहीं, कुछ नहीं. वो चुप गेम के दौरे गाड़ मर गए, कुछ भी गए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता. तो इसी वजह से तो ये मेरा थर्ड वीडियो है. तो इस वीडियो में मैं बेसिकली क्या कि मेरा ये सब शुरू कहाँ से हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ, तो मैं आप लोगों को ये फिगर दिखा रहा हूँ. आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये मेरा जब मेरा इंटरव्यू था, मतलब तो जैसे कल इंटरव्यू है, तो मैं आज रात को निकला बस में बलंगीर को. पर ये सब शुरू कहाँ से हो, तो वही चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ और मैं शेयर करूँगा. और आप लोग भी मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, नहीं तो ऐसे ही बहुत सारे लड़के लड़कियाँ स्कैम में पड़ेंगे. तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखकर रहिए. तो मैं बेसिकली गाइस, ये सब शुरू ऐसे हुआ कि अभी आप लोगों को पता होगा नौकरी का क्राइसिस, जॉब क्राइसिस चल रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है. तो मैं अपने एक रिलेटिव है, उनके साथ बातचीत किया था. तो मैं उनको बोला था थोड़ा मेरे लिए कुछ भी नौकरी ढूंढ लीजिए, कोई भी नौकरी हो, अच्छा सैलरी भी अगर मतलब लेते होंगे तो कोई बात नहीं, काम करेंगे जब तक के लिए एक परमानेंट अच्छा वाला जॉब नहीं मिल जाए तब तक के लिए. तो वो बहुत टाइम तक ट्राई भी कर रहे थे, पर एक टाइम मतलब ऐसा नहीं कि जल्दी हो गया, तीन महीने के बाद ही वो मेरे को बोले कि आप इस आदमी के साथ बात करो, आप जानते हो. वो बोले कि हाँ, वैसे तो ऐसे पर्सनल नहीं है, पर उनका कुछ ऑफिस कौन कोई भी ऑफिस के साथ थोड़ा लिंक था. तो वही चीज़ में जैसा होता है ना, हम ऐसे पर्सनली किसी को नहीं जानते पर्टिकुलर, पर ऐसे सुनते हैं कि वो इस कंपनी में, वो उस कंपनी में काम करते हैं, उसका वो बिजनेस है, ये है, वो ये. तो वैसे ही तो मेरे को बोले कि आप उनके साथ बातचीत कीजिए, मैं वो अच्छा आदमी है, कुछ कंपनी में काम करते हैं, वो कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं लोगों को, मतलब अच्छे लोगों को हायर कर रहे हैं. बोला भाई ठीक है, और मैं बात किया. तो जब बात किया वो बोले ठीक है, कौन है यार? मैं बोला ऐसे ऐसे, मैं उनका ऐसा रिलेटिव हूँ, ऐसा पेशेंट वाला हूँ. बोले ठीक है, हमारा कुछ ऐसा मीटिंग था, मीटिंग हुआ है अभी रिसेंटली, तो कुछ कैंडिडेट्स वगैरह हम हायर कर रहे हैं हमारे ये के लिए, वो के लिए. हाँ, मैं अपने इच्छा के साथ बात करूँगा वगैरह ठीक करना. मैं बोला ठीक है सर, बहुत रेस्पेक्ट के साथ मैंने बात किया. तो हो गया, तो ठीक है, वहीं पर बातचीत बंद हुआ. और उसके बाद जब बातचीत हुआ, वो बोले कि ठीक है, आपका तो बोर्ड ने ग्रेजुएशन किए है, आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी है, रिसीट है, तो आप लोग आपका एक ऑनलाइन का एक इंटरव्यू होगा. तो ठीक है, बोला ठीक है. तो कुछ दिनों के बाद वो कॉल, मतलब मैं उनके साथ कॉन्टैक्ट में था, तो मैं कॉल करता था क्योंकि मेरा ही मेरे को ही मतलब चाहिए ना नौकरी, तो इसीलिए मैं कॉन्टैक्ट में था. तो मेरे को क्या पता वो क्या है क्या नहीं. तो मेरे को एक टाइम डाउट लगा कि जब वो आदमी, तो वो लड़का जो है, वो आशुतोष नहीं, मैं जिसके मतलब जो था ना, मैं आदमी जिसके साथ बातचीत करता था, वो था विकास मुद्दी.
उसका नाम है विकास चौधरी, उसका फोटो भी आप देख पा रहे होंगे, मैं लगा रहा हूँ, मतलब लगा दूंगा, तो फिर आप देख लीजिए। ये वो शख्स है जिसके मैं उसके साथ बातचीत फोन पर पहले किया था, देखा नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो सिर्फ बात किया था, तो ऐसा बातचीत हुआ। तो मेरे को एक टाइम डाउट लगा भाई, मेरे को बोला कि भाई मतलब जैसा बोलता ना भाई, एक दो दिन या फिर एक बार दो बार ही बात की होगी, उसके बाद उस साइड से मतलब हम तो नहीं पहचाना, हम तो कुछ नहीं है, वो लोग तो काम कर रहे, हमारे अभी के सोच में वो लोग काम कर रहे, वो लोग सब लोग के ठीक है। तो आपने खाना खाया, आपने क्या खाया, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपका घर में कैसा है, ये सब मेरे को थोड़ा अजीब लगा, नॉर्मल नहीं लगा, पर तब भी ठीक है भाई, बात कर रहा है, बात कर रहा है, ये बात किया। तो उसके बाद इंटरव्यू वगैरह हुआ और वो बोले ठीक है आपको सुपरवाइजर का पोस्ट है। तो मैं बोला भाई कौन, मतलब मैं तो ऐसा नहीं कि सुपरवाइजर तो कोई छोटा मोटा पोस्ट नहीं ना, बोला भाई सर मैंने इनका, वो बोला कि हिंदी में, हिंदी में कि हाँ आप कर नहीं सकते, या फिर क्या बोले हमारे पास टाइम है, और उन लोगों का एक ही है, सभी के सभी यहाँ पर गुस्से वाले आदमी है, वहाँ पर तो सब गुस्से, सबका पास गुस्सा है वगैरह है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, तो ये सब मैं आगे बोलूँगा। तो जब ऐसे बातचीत हुआ तो मेरे को ऐसे इंटरव्यू था 3 तारीख को, तो मैं यहाँ से निकला रात को, सुबह पहुँचा, उसके बाद वहाँ पर भी मतलब वही जो इंटरव्यू दिन, वही दिन में मतलब जाने के मतलब रात और पूरा एक दिन में मेरे को करीब 2 से 3 हज़ार का पूरा खर्च हो गया, पूरा होटल एक दिन में होटल रहने का 1,000 चला, रिजर्वेशन छोड़ो वो कैलकुलेशन। तो ऐसे हुआ, तो इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू जब हुआ मैंने देखा तो इंटरव्यू में साले रिसेप्शन पे मतलब मुझे उनका तो कुछ भी बोर्डिंग वगैरह नहीं था, वो मेरे को बोले थे हाँ वो जो कंपनी बोला थे आप लोगों को जानना जरूरी है, उस वो कंपनी वो विकास ने बोला था कि कलिंगा हेलिकर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है आप ध्यान से सुनिए, कलिंगा हेलिकर प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी नाम वो लिया था। और इस कंपनी का नाम लेकर मैं भी सर्च किया, मैं ऐसा नहीं कि भाई बेवकूफ की जैसे नहीं, मैं सर्च किया, सब कुछ किया, उसके बाद मेरे को ट्रस्ट आया कि हाँ भाई बंदा सही बोल रहा है, ऐसा कंपनी है, ऐसे बोल है, ठीक है भाई। अब आप जिसके साथ बात करोगे, उसके साथ मीट करोगे, तो आपका ट्रस्ट लेवल ग्रोथ ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो भी आपसे साथ आपके साथ बात करेगा, रेस्पेक्ट के साथ आपको उद्योग भी अच्छा लगेगा। तो वैसे ही मैं बातचीत किया, उसके साथ एक आया था बंदा, वो था, वो बोला कि मैं तो पहले आधा घंटा तक खड़ा रहा एक क्या बोले फोर व्हील ने मतलब क्या बोलते हैं शॉप, हाँ पूरा चौराहे पर मैं खड़ा रहा। तो वो आधा घंटे के बाद आया, वो चलते चलते मैं बोला भाई मतलब उसका क्या होता है हमारा रूम्स वगैरह उनका होगा तो वहाँ से आएगा, तो वहाँ से आया था, पर चलते मैं बोला बाइक पे शेयर का, तो सर लोग है ना, तो आइए चलते चलते एक बंदा उसके साथ आ रहा है, सारा ब्लैंक लौड़ा गांड इतना मतलब गांड इतना बड़ा पेट इतना बड़ा ब्लैंक लौड़ा, ऐसा चलते चलते बोला सर बोला यार गुड मॉर्निंग। हाँ उसके बाद मेरे को पूछ रहा है आपने कभी इंटरव्यू दिया, वो सर इंटरव्यू दिया है, मैं बोला हाँ दिया हूँ ऐसा वैसा। तो उसके बाद कि होटल चले, तो होटल तो होटल देखे तो भाई पूरा क्या बोलते एसी वाला होटल, मतलब रूम एसी वाला रूम, नॉन एसी नहीं है, फाइव प्रो बड़ा वाला, भाई मेरे हाथ से पैसा जाएगा, ठीक है एक दिन रहना पड़ेगा, ठीक है रहा। तो उसके बाद उसी दिन ही जहाँ जाते जिस दिन पहुँचा उस दिन ही इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू मिले जब गया एक रिसेप्शन जो होता है ना होटल्स वगैरह जैसे रिसेप्शनिस्ट कहते हैं, तो वैसे टाइप के रिसेप्शनिस्ट एवडा एक बच्चा, भाई बच्चा लिटरली साले हट मतलब क्या बोले, मेरे को लगता है कि वो 10th पास करके बैठा है, प्लस टू किया होगा कि नहीं किया होगा भगवान जाने, मतलब कुछ ही मैंने तो पूछा, मेरे को पूछा कि सर आपका क्वालिफिकेशन, मैं जब बोला ग्रेजुएशन वो तो पागल हो गया, अरे मैंने बोला ग्रेजुएशन में क्या है, पीजी है, एमबीए है, बीबीए है, बीटेक है, ये सब तो ग्रेजुएशन से बहुत बहुत बढ़ गए। तो वो ग्रेजुएशन अच्छा कंपनी है, मेरे को थोड़ा तब भी डर लगा। उसके बाद वेटिंग हॉल गया, तो वेटिंग हॉल में जब गया भाई वहाँ के
लड़की लड़के आए थे इंटरव्यू के लिए, मैं देखकर शॉक हो गया, क्योंकि मैं खुद को देखा, उन लोगों को देखा भाई, वो लोग साले एक नंबर के अनपढ़ गवार के जैसे लगते हैं। ठीक है कोई बात नहीं, 10 प्लस 2 प्लस 3 कुछ प्लस 3 तो कोई नहीं किया होगा, क्योंकि वो जब ग्रेजुएशन सुनकर ऐसा हो गया तो वो ऑफिस में प्लस 2 तक जो भी लड़का लड़की आएगा पढ़े होंगे। ठीक है, और जो भी किया होगा ग्रेजुएशन उसमें मेरे को कोई फर्क नहीं। ठीक है, तो मैं देखा, जब देखा मेरे को भाई ये क्या है, ये साले मतलब जैसा होता है ना, क्या बोले, मतलब जो लोग, अभी आप सोचिए एक गांव के मंदिर को अगर आप उसको ब्लेजर और पूरा बूट पूरा लगा कर उसको भेज दोगे रैंप वॉस पे, उसको तो पता ही नहीं होता फिर रैंप पे कैसे चलते हैं, तो देने से क्या होता। तो मैं सब देखा कि बच्चे लोग तो बहुत सूट, मैं तो कुछ पहन मतलब ऐसा कुछ फॉर्मल नहीं पहनना था, नॉर्मल ही था, तो बैठा सब कुछ देख रहा था। उसके बाद मेरा इंटरव्यू लेने आया, तो मैं गया, जब गया हिंदी में बातचीत, तो मैं गया मेरे को मिठाया, मेरे को पूछा जॉब का मीनिंग क्या है, बोला ठीक है वही एक का मीनिंग बोल दिया। उसके बाद एक बंदा था, एक टकला, थोड़ा सा टकला हुआ, मतलब वो क्या बोले, मतलब शादीशुदा हुआ होगा मेरे को पता नहीं, तो सोफे पर बैठे हैं और पीछे भी मेरा और सामने एक बंदा बैठा है, तो मेरे को वो एक ही सवाल पूछा जॉब क्या है। उसके बाद ये जो साइड में बंदा था वो मेरे को पूछना शुरू किया ऐसा ऐसा प्रश्न, मतलब मैं लिटरली मेरे को जितना याद है मैं ग्रेजुएशन किया हूँ वो सब मैं पढ़ाई नहीं, और वो मैं जो थोड़ा रिवाइज करके गया था वो जस्ट नॉर्मल क्वेश्चन के लिए, पर वो बहुत हार्ड पूछा, तो मेरे को नहीं आया, कुछ भी जवाब नहीं दे गया। जब नहीं दे गया तो वो सामने वाला जो बंदा था मैंने बोला तो आपको कुछ तो नहीं बोल पा रहे हो, आपको कैसे सिलेक्ट करे कुछ नहीं है ये नहीं, मैं बोला मेरे को पता नहीं था ये सारे भोसड़ी वाले एक से एक बड़ा फ्रॉड है, तो मैं बोला सर मैं तो सिर्फ ट्रेनिंग होगा तो मैं सीख जाऊंगा, ऐसा कोई बात नहीं ग्रेजुएशन किया हूँ तो सीख जाऊंगा। वो बंदे मेरे मेरे पास वो बैठा था छुटिया बिगास मुदुली, तो वो बोले सो वो उसके मतलब एक है कार्तिक, हाँ कार्तिक सर, वो सब सर सर सबको बोलते हैं सारे फालतू में, ये जो रेस्पेक्ट उनके उनके होता है ना मिलन रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट का वो सब मैंने बोला, तो वो कार्तिक का रेफरेंस आया है, तो वो बोले कार्तिक सर से ओके ठीक है आप पैसा दीजिए 8,000 आपको पता है, बोला हाँ आया दिया विड्रॉ में डाल दिया, ठीक है आप सिलेक्ट हो गए, आपका ट्रेनिंग 1 महीने होगा और जितने जल्दी आप हो जाओगे आप सीखोगे आप काम करोगे, तो मैं ठीक है मैं बोला कि चलो कोई बात नहीं हो गया। मैं आने के टाइम पूरा ऐसा हाथ जोड़ के भाई वो जो बंदा है मोटा सा उसका थोड़ा सीनियर साहिल उसका नाम है, तो मैं बोला साहिल सर आपके वजह से और विकास सर के वजह से मेरा हो गया, मैं तो जाना नहीं था वो कार्तिक वार्तिक कौन है, तो आपके वजह से मेरा हो गया भाई बहुत रास्ते में बोलना नहीं। और एक बात बोलूँ भाई, वो जो साहिल है साला 21 साल के, मतलब वहां पर आप जितने भी बंदे देखोगे साले 18 से 22 के अंदर, 22 से ज्यादा से ज्यादा वाला बंदा नहीं, साले मेरे से 4-5 साल छोटे हैं। ठीक है और छोड़ो